नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। नए साल 2020 का शानदार आगाज हो चुका है, लेकिन 2020 से नए दशक की भी शुरुआत हो रही है, जो भारत के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है, क्योंकि यही वो साल है जिसे मील का पत्थर मानकर आज से 20 साल पहले भारत को विश्व शक्ति बनाने का सपना देखा गया था। लेकिन पीएम मोदी की अगुवाई में भारत को इस लक्ष्य को हासिल करने में अभी भी कई चुनौतियों को पार करना बाकी है। 2020 में क्या है पीएम मोदी की 20 चुनौतियां, इस रिपोर्ट में देखते हैं। एनआरसी, इसका भी ऐसा झूठ चलाया जा रहा है। इस देश में इतने सारे मुसलमान हैं, कोई भेदभाव नहीं होता है। इस देश में किसी भी धर्म के नागरिक को डरने की जरूरत नहीं है। कानून जो बनाया जा रहा है, इसलिए बनाया जा रहा है कि दोबारा पार्टीशन हो। सावरकर जी ने, उन्होंने कहा है नो प्रॉब्लम्स। नए साल में मोदी सरकार की सबसे पहली और बड़ी चुनौती है नागरिकता संशोधन कानून और उसे लेकर देश में चल रही राजनीति। 2019 के दिसंबर महीने में कानून बनने के बाद भी नागरिकता संशोधन को लागू करवाना नए साल में भी मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि मोदी सरकार ने पहले ही साफ कह दिया कि नागरिकता संशोधन कानून के बाद पूरे देश में एनआरसी लागू किया जाएगा। एनआरसी करेंगे तब स्पष्टता के साथ इसी प्रकार से इसी सदन में एक भी शब्द छोड़े बगैर मैं सबको इसकी भी जानकारी दूंगा। इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मगर मानकर चलिए एनआरसी आने वाला है। एनआरसी बस। मोदी सरकार भले ही नागरिकता कानून और एनआरसी लागू करने की अपनी बात पर कायम है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर दिसंबर 2019 की शुरुआत से ही देश के कई हिस्सों में विरोध शुरू हो गया और दिल्ली से लेकर यूपी के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन भी हुए और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी नए साल में भी इस मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी जारी रखेंगे। चाहे एनआरसी हो, चाहे एनपीआर हो, ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर एक टैक्स है। I am saying that it is an attack on poor people. गरीबों पे ये आक्रमण है, सीधी सी बात है। अब गरीब व्यक्ति पूछ रहा है कि भाई हमें रोजगार कैसे मिलेगा। मोदी सरकार की सबसे बड़ी मजबूती है जनता के बीच उनकी साख, लेकिन 2019 में आर्थिक मोर्चे पर भारत की बिगड़ती सेहत ने मोदी सरकार की साख पर बड़ी चोट की है। 2020 में इसी साख को बनाए रखना मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक जगत के जिन सिपा सालारों को अपने साथ जोड़ा था, वो एक एक कर मैदान छोड़ चुके हैं। 2.5 साल पहले जून 2017 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष रहे अरविंद ने समय से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जून 2018 में अरविंद सुब्रमण्यम ने भी अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद छोड़ दिया और दिसंबर 2018 में रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे उर्जित पटेल ने भी मोदी सरकार के साथ आरबीआई की वैधता को लेकर हो रहे टकराव की खबरों के बीच इस्तीफा दे दिया था, जिससे अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने की मोदी सरकार की कोशिशों को बड़ा झटका लग चुका है। में मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है पार्टी। देश में पार्टी की तेजी से घट रही सियासी ताकत। 2018 में भाजपा देश के 70% से ज्यादा हिस्से पर राज कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने तीन बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया। इनको भी याद रहना चाहिए कि समय बदलता है, मौसम बदलता है, चुनाव के परिणाम बदलते हैं। एक चुनाव परिणाम और मौसम बदलने वाला है 11 तारीख को, दूसरा मौसम बदलेगा अगले वर्ष।
क्योंकि समय हमेशा सेम नहीं रहता है। लेकिन हमारे राजनीतिक कार्यपालिका की क्या बात कर सकते हैं, इस प्रकार से बेशर्मी से दुरुपयोग करना ऐसे डिपार्टमेंट्स का सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध के कारण, मैं समझता हूं कभी भारत में 70 वर्ष में नहीं देखा गया। ।2019 के लोकसभा चुनाव में 553 सीटें जीतकर केंद्र की सत्ता में दमदार वापस करने वाली भाजपा अब देश के सिर्फ 14 राज्यों की सत्ता में रह गई है, जिसमें यूपी, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल, बिहार और गोवा के अलावा सिक्किम और पूर्वोत्तर के 6 राज्य शामिल हैं। इन 14 राज्यों में से 4 राज्यों में एनडीए गठबंधन की सरकार है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने 2020 में भाजपा को दोबारा उसकी खोई ताकत वापस दिलाने की बड़ी चुनौती होगी। ।2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए ने 2014 से भी बड़ी जनादेश के साथ सत्ता में वापसी की थी, लेकिन 2020 में मोदी सरकार और खासकर भाजपा के सामने एनडीए के कुर्बे और अपने जनाधार को बनाए रखने की दोहरी चुनौती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा ने शिवसेना को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा दिया। राजनीति में शब्द का महत्व होता है, वचन का महत्व होता है। ये देश का संस्कार है, देश की संस्कृति है, और आज हमें आप लोग हमें एनडीए से बाहर निकालने की बात करते हो। एनडीए किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, हम एनडीए बनाने वाले में से है। किसको पूछा एनडीए के बारे में, ये निकालने का फैसला किसने लिया है? अगर एनडीए है तो आप हमें बताइए एनडीए के प्रमुख कौन है, एनडीए के कन्वीनर कौन है? जवाहर साहब थे क्या? आपके मन में आया हा? अपने आप को भगवान समझते हो और निकाल दिया, ये नहीं चलेगा। महाराष्ट्र के बाद झारखंड के चुनावों में एनडीए की प्रमुख सहयोगी एलजेपी ने भी गठबंधन से अलग जाकर अकेले ही विधानसभा चुनाव लड़ा। हालांकि पासवान की पार्टी अब भी गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान एनडीए में पार्टियों के बीच समन्वय को लेकर पहले से ही सवाल खड़े कर चुके हैं। और लोक जनशक्ति पार्टी ने, हम लोगों ने सरकार से ये आग्रह किया, प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह किया कि थोड़ा बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, ना सिर्फ जब सत्र चले सिर्फ फ्लोर मैनेजमेंट ही हम लोग की चिंता नहीं होनी चाहिए, बल्कि वैसे भी जब सरकार अपना कार्य कर रही है तो उसमें बेहतर मैनेजमेंट हो। इसके लिए अगर संभव हो तो कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी या किसी संयोजक एनडीए कन्वेनर की को हम लोग को नियुक्त करना चाहिए, ताकि एनडीए के जितने भी घटक दल हैं और गाहे बगाहे जो कभी कभी सुनने को मिलता है कि भैया कोई नाराज चल रहा है या किसी की कोई समस्या है, ताकि निरंतर विचारों का आदान प्रदान हो, सुझावों का आदान प्रदान हो। मई 2019 में जीत का करिश्मा दोहराने वाली पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी के लिए 2020 की शुरुआत से लेकर आखिरी तक बड़े सियासी कांटे खड़े दिख रहे हैं, क्योंकि 2020 की शुरुआत में ही भाजपा के सामने दिल्ली विधानसभा चुनाव की अग्नि परीक्षा है। मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी, 60-60 महीने होने को आए आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए, ये सारे वादे आप जो एडवर्टाइज देकर दिल्ली की जनता को बता रहे हो, ये पहले क्यों पूरे नहीं हुए? मैं बता देता हूं, अभी भी पूरे नहीं होने वाले, सिर्फ झांसा देने के लिए एडवर्टाइज देने का काम है केजरीवाल सरकार कर रही है। इसी साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन बिहार में एक बार फिर नए सियासी समीकरणों ने आकार लेना शुरू कर दिया, क्योंकि जेडीयू अभी से भाजपा पर सीट बंटवारे के मुद्दे पर दबाव बनाने लगी है। 9 में मुझे जहां तक याद है वो भाजपा और जदयू के सीटों की जो संख्या थी वो 1:1.4 की रही थी, भाजपा की करीब 101 सीट और बाकी की 140-141 सीटें जदयू की, तो अनुपात जो है वो 1:1.4 का रहा है। अगर आप 2015 की जीते हुई सीटों का आधार मान लें तो जदयू और भाजपा की जो सीटों का अनुपात है वो करीब करीब फिर वही बन के आता है 1:1.4 का। तो मुझे लगता है कि जब भी कभी सीटों की आपस में चर्चा होगी तो उसमें इसी अनुपात के आधार पर आगे बात। 2019 के आखिरी महीने में झारखंड में मिली जीत ने विपक्ष के लिए नए साल में संजीवनी का काम किया।
बिहार में एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार 2014 के पहले भाजपा को झटका दे चुके हैं और माना ये जा रहा है कि एक बार फिर नीतीश कुमार चुनावों से पहले नई राह पकड़ सकते हैं और भाजपा की घेराबंदी के लिए विपक्ष नीतीश को एक बार फिर से स्वीकार कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को आर्थिक मोर्चे पर 5 बड़ी चुनौतियों का सामना करना है, जिसमें अर्थव्यवस्था की बिगड़ती सेहत, बेरोजगारी और महंगाई से लेकर किसानों की आय दोगुनी करने का वादा पूरे करने की ये 5 बड़ी चुनौतियां हैं। 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य को देश प्राप्त कैसे प्राप्त कर सकता है, इसकी एक दिशा बजट में हमने दिखाई है। मोदी सरकार ने 2024 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय किया है, लेकिन देश के मौजूदा आर्थिक हालात मोदी सरकार के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़े हैं। देश की मौजूदा विकास दर इस वक्त 4.5% पर पहुंच चुकी है, जो पिछले 6 साल का न्यूनतम स्तर है, और विपक्ष अब मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल खड़े कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक सोच के दिवालियेपन का नतीजा है कि जीडीपी की सेकेंड क्वार्टर की ग्रोथ 6 साल में सबसे कम होकर 4.5% पर रह गई है। हालांकि सरकार का दावा है कि आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने के लिए तमाम कोशिशें जारी हैं और सरकार आयकर की दरों में सुधार और टैक्स घटाने जैसे उपायों पर भी विचार कर रही है, ताकि तेजी से गिरती अर्थव्यवस्था को संभाला जा सके। मानांक के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने सुधार किया है, ढेर सारे इकोनॉमी के पैरामीटर्स भी कंट्रोल में लेकर आए हैं, और मैं आज उद्योग जगत के जो लोग यहाँ बैठे सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये जो ग्लोबल स्लोडाउन है, इसकी टेम्पररी इफेक्ट आपको दिखाई दे रही है। मोदी जी के नेतृत्व में निर्मला सीतारामन जी और हमारे अनुराग जी दोनों दिन रात परिश्रम कर अलग अलग योजनाएं लाकर इसको लड़ने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाए हैं। साल 2014 में मोदी सरकार हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने के वादे के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन प्रधानमंत्री अपने इस लक्ष्य को हासिल करने में अब तक नाकाम साबित हुए हैं और देश में इस वक्त बेरोजगारी 45 साल के अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। Unfortunately for this government, the reality is for all of us to see unemployment rate is it's the highest in the last 45 years. In today in 2017-18, the report suggests that within the rural areas, the unemployment rate is 13% amongst males, 17%. देश में आर्थिक मंदी की वजह से सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाले ऑटोमोबाइल सेक्टर की हालत खराब है। इसके अलावा उद्योग और निर्माण क्षेत्र में मंदी की वजह से नौकरियों का संकट बना हुआ है और विपक्षी दल आने वाले चुनाव में बेरोजगारी के मुद्दे को मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा हथियार बना सकते हैं। ऐसे में नए साल में देश में बेरोजगारी पर लगाम लगाना बड़ी चुनौती बनी रहने वाली है। नए साल में देश में तेजी से घटती FDI यानी विदेशी निवेश को संभालना भी मोदी सरकार की बड़ी चुनौतियों में शामिल रहेगी। नीति आयोग की साल 2018 की एक रिपोर्ट में साफ जिक्र किया गया था कि भारत को अगर दुनिया का वर्कशॉप बनाना है तो सरकार को मैन्युफैक्चरिंग में FDI को बढ़ावा देना होगा, लेकिन सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत अपना प्रदर्शन सुधारने में नाकाम रहा है। अपने पहले कार्यकाल में मोदी सरकार ने देश में निवेश बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत की थी, लेकिन उसका भी प्रभावी असर अब तक नहीं दिख पाया है। देश की जनता के सामने इस वक्त बढ़ती महंगाई सबसे बड़ी मुश्किल के रूप में खड़ी है। खाने पीने की चीजों से लेकर पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। नवंबर 2019 से प्याज की कीमतें अब तक 100 रुपए के पार बनी हुई हैं। हालांकि वित्त मंत्री अब तक महंगाई के मुद्दे पर सरकार का बचाव करती आ रही हैं। महंगाई, अगर आप उदाहरण के लिए मैं बोलूं, महंगाई बढ़ने वाले चीज 2014 से लेकर आज तक महंगाई बढ़ा नहीं है।
अगर महंगाई बढ़ने वाले बात को आप उठाना चाहते हो तो कृपा करके 2008 से लेकर के 16 तक देख लो कि महंगाई का इंडेक्स कितना रहा, पर्टिकुलरली फूड कमोडिटीज का महंगाई 2 digits में चला था। इसीलिए महंगाई के विषय में हमारी सरकार के ऊपर कोई एक भी बात उठा नहीं सकते, चाहे वो 2016 से लेकर के आज तक। सरकार भले ही महंगाई के सवालों पर सफाई दे रही हो, लेकिन इस वक्त खुदरा महंगाई दर 3 साल के उच्चतम स्तर 5.54 पर पहुंच चुकी है। ऐसे में नए साल में आम आदमी की जरूरतों से जुड़ी चीजों की कीमतों में काबू करना मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता में से एक होगी। मोदी सरकार ने साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन मौजूदा हालात में देश का किसान अब भी सबसे ज्यादा परेशान है। मोदी सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा योजना से लेकर किसान क्रेडिट कार्ड समेत कई योजनाओं में तेजी लाने की कोशिश की है, लेकिन जमीन पर अभी भी योजनाओं का लाभ किसानों को मिलता नहीं दिख रहा है। इसीलिए महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में कर्ज की वजह से किसानों की आत्महत्या करने का सिलसिला आज भी नहीं थम सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर ही नहीं बल्कि सामाजिक मोर्चे पर भी तेजी से उनको काम करना है। दरअसल 18 साल पहले पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को 2020 तक दुनिया की सुपर पावर बनाने के लिए जो रोडमैप तैयार किया था उसमें भारत की कई सामाजिक समस्याएं पड़ा रोड़ा थी और अब मोदी सरकार को उन मुश्किलों का हल निकालना है। आज से 22 साल पहले यानी 1998 में देश के जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी किताब विजन 2020 में भारत को 2020 तक सुपर पावर बनने का एक सपना देखा था, जिसे 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने अपना संकल्प बनाया। डॉक्टर कलाम मानते थे कि शिक्षा और तकनीक की मदद के बिना भारत इस मुकाम को हासिल नहीं कर सकता, लेकिन 22 साल बाद भी शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन के मुद्दे पर चर्चा जारी है। शिक्षा महत्वपूर्ण है, इसीलिए अभी हम नई शिक्षा नीति को ला रहे हैं। 33 वर्षों के बाद जो ये नई शिक्षा नीति आएगी वो भारत केंद्रित होगी, वो यहाँ के मूल्यों से युक्त होगी, वो नवाचार के साथ ज्ञान विज्ञान और अनुसंधान को लेकर के आगे बढ़ेगी, हिंदुस्तान की नई पहचान बनाएगी। ऐसा नहीं है कि देश में शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं हुए, लेकिन आज भी भारत में विश्व स्तर की शिक्षा रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट के संसाधन बेहद कम है। ऐसे में नए साल में मोदी सरकार के सामने देश में शिक्षा नीति में आमूलचूल सुधार करना बड़ी चुनौती बनी हुई है। स्वास्थ्य क्षेत्र। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो ये उम्मीद लगाई गई कि 12 साल बाद एक बार फिर मोदी सरकार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम के सपने विजन 2020 पर तेजी से काम करेंगे। स्वास्थ्य के मोर्चे पर भारत के सामने कई चुनौतियां अब भी खड़ी हैं। मोदी सरकार ने 2 साल पहले आयुष्मान भारत के तौर पर एक क्रांतिकारी योजना की शुरुआत की थी, जिसमें देश के हर गरीब को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराया गया था। लेकिन अब भी देश में अस्पतालों और डॉक्टरों की कमी बड़ी चुनौती बनी हुई है। खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में आज भी वक्त पर इलाज नहीं मिलने से मरीजों की जान चली जाती है। साइंस पावर। में पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण के बाद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के नारे जय जवान जय किसान में एक नया शब्द जय विज्ञान जोड़ा था, जिसका मकसद था भारत को विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया के दिग्गज देशों के साथ खड़ा करना। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नारे में एक और शब्द जोड़ा, जय अनुसंधान,
जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के वैज्ञानिकों से रिसर्च और इनोवेशन पर जोर देने को कहा था। आज के शिक्षा के तीन स्तंभ है, जीवन निर्माण, मानवता और चरित्र गठन। स्वामी जी के इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर के मैं आज इसमें एक और स्तंभ जोड़ने का साहस कर रहा हूं, और वो है क्योंकि समय की मांग है, और वो है नवोन्मेष, इनोवेशन। लेकिन अब भी विज्ञान के क्षेत्र में भारत को अमेरिका और रूस जैसे देशों की कतार में आने के लिए लंबा सफर तय करना होगा। हालांकि बीते कुछ सालों में भारत ने विज्ञान, खास तौर पर अंतरिक्ष विज्ञान में बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। लेकिन भारत को साइंस पावर बनाने के लिए मोदी सरकार को अभी काफी काम करना बाकी है। जनसंख्या नियंत्रण, भारत को दुनिया की महाशक्ति और एक विकसित राष्ट्र बनने की राह में सबसे बड़ी बाधा है। आज 125 करोड़ से भी ज्यादा आबादी के साथ भारत जनसंख्या के मामले में सिर्फ चीन से पीछे है, और अब जनसंख्या पर लगाम भारत की सबसे बड़ी चुनौती है। हम दो, हमारे दो और सबके दो, इसमें कोई जाति, कोई मजहब और कोई राजनीति आड़े नहीं आनी चाहिए। हाँ, जो दो से ज्यादा बच्चे पैदा करे उसके लिए कानून क्यों नहीं बना सकते देश के अंदर कि दो से ज्यादा जो बच्चा पैदा करेगा उसको वोटिंग राइट नहीं होंगे, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, सरकारी स्कूल में उसको एडमिशन नहीं मिलेगा, सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन नहीं मिलेगा, सरकारी जॉब उसको नहीं लगेगी और सरकारी हॉस्पिटल में उसका इलाज नहीं होगा। माना जा रहा है कि मोदी सरकार इस साल जनसंख्या नियंत्रण पर ठोस कानून बनाने की दिशा में कदम बढ़ा सकती है। हालांकि ये कदम इतना आसान नहीं होने वाला क्योंकि आबादी से जुड़े कानून को लेकर बहुत पहले से राजनीति शुरू हो चुकी है। पॉपुलेशन कंट्रोल होनी चाहिए, लेकिन उस नेता का नाम बताएं जिसने रिलीजन के साथ जोड़ा हो, वो काम भी खुद वो खुद कर रहे हैं। आप सरकार का हिस्सा हैं, क्या आप मीडिया में बयान दे के पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं? प्रधानमंत्री से बात कीजिए, कदम उठाइए, सरकार फैसला करे। आप समझते हैं कि मीडिया में बोलेंगे और हिंदुस्तान के लोग आपके जबान से निकले हुए अल्फाज से बेवकूफ बन जाएंगे? देश की सुरक्षा, भारत के सामने आतंकवाद अब भी बड़ी चुनौती है। सीमा पार से हो रही गतिविधियों को रोकने के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा भी देश के लिए हमेशा से अहम मुद्दा रहा है। मोदी सरकार में पाकिस्तान के खिलाफ हुई 2 स्ट्राइक्स और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान लगातार भारत में नए सिरे से आतंकवाद को हवा देने में लगा हुआ है। हालांकि अब तक इस मोर्चे पर मोदी सरकार ने मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई की है, लेकिन सुरक्षा के मामलों में यही सख्ती बनाए रखना मोदी सरकार के लिए बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने आज से कई साल पहले 2020 तक भारत को न सिर्फ एक विकसित देश बल्कि दुनिया की महाशक्तियों में शामिल करने का एक खाका खींचा था। लेकिन डॉक्टर कलाम इसे सपना नहीं बल्कि एक मिशन मानते थे जिसे वो हर हाल में अब पूरा किया जाना था। पीएम मोदी के सामने नए साल में अपने नारे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास मंत्र को जमीन पर उतारने की बड़ी चुनौती है। बीते 5.5 सालों में गोरक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग की घटनाओं की वजह से सरकार को कई बार विपक्ष के हमलों का शिकार होना पड़ा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में अपनी दूसरी जीत के बाद अल्पसंख्यकों को विश्वास दिलाते हुए कहा था कि जिन्होंने उन्हें वोट दिया वो भी हमारे हैं और जिन्होंने नहीं दिया वो भी। लेकिन मोदी के इस बयान के बाद भी विपक्ष मोदी सरकार पर अल्पसंख्यकों की अनदेखी का आरोप लगाता रहा है। ऐसे में मोदी सरकार के सामने अल्पसंख्यकों का विश्वास जीतना एक बड़ा चैलेंज होगा, वो भी तब जब NRC और CAA को लेकर देश का अल्पसंख्यक समुदाय विरोध कर रहा है। भुखमरी और कुपोषण, भारत के सामने इस वक्त भुखमरी और कुपोषण एक बड़ी समस्या बनकर खड़ी है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 21% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य 2020 तक बच्चों में कुपोषण को दूर करना है, लेकिन 2020 की शुरुआत हो चुकी है और भारत अब भी इस लक्ष्य से बहुत दूर है।
मानवाधिकार। देश में संशोधित नागरिकता कानून का विरोध कर रहे कई समूहों का कहना है कि कई बार पुलिस और प्रशासन मानवाधिकारों का हनन कर विरोध को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में मोदी और शाह के सामने मानवाधिकार संरक्षण को लेकर बड़ी चुनौती बनी रहने वाली है। जलवायु परिवर्तन। दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन सरकारों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। तेज गति से होते विकास से जलवायु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन की वजह से तापमान बढ़ रहा है। मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद कुछ महत्वाकांक्षी कदम भी उठाए हैं। मिसाल के तौर पर 2022 तक भारत की कुल साफ ऊर्जा का लक्ष्य 175,000 मेगावाट रखना वास्तव में एक बड़ी छलांग थी, लेकिन मोदी सरकार ने इस लक्ष्य को बढ़ाकर 450,000 मेगावाट करने की घोषणा की है। लेकिन अब मोदी सरकार को यह तय करना है कि स्वच्छ ऊर्जा का यह लक्ष्य कब पूरा होगा। प्रदूषण नियंत्रण। भारत के लिए साल दर साल प्रदूषण बड़ा खतरा बनता जा रहा है। उत्तर भारत में हर साल अक्टूबर और नवंबर के आखिरी दिनों में हवा में प्रदूषण का स्तर कई गुना बढ़ जाता है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 में प्रदूषण से सबसे ज्यादा मौतें भारत में हुई। प्रदूषण के कारण बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर सबसे ज्यादा खतरा बना रहता है। ऐसे में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर ये साल मोदी सरकार के लिए बेहद अहम रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए। Facebook पेज है www.facebook.com/abpganga। Twitter पर भी फॉलो कीजिए, हमारा Twitter हैंडल है twitter.com/abpganga।